भारतीय राजनीति में नवीनतम बदलाव अर्थात रीसेंट चेंजेस इन इंडियन पॉलिटिक्स, नवीनतम बदलाव अर्थात रीसेंट पास्ट में, गत कुछ वर्षों में जो राजनीति में बदलाव आया उस पर इस अध्याय में चर्चा होगी। इस अध्याय में हम नवीनतम बदलाव लेंगे अर्थात हम ये मान के चलते हैं कि हम पुरानी जो राजनीतिक व्यवस्था थी उससे हम वाकिफ हैं। हम जानते हैं कि इस बदलाव के पूर्व के 50 वर्षों में भारत की राजनीति कैसी थी, उसकी प्रकृति क्या थी, राष्ट्रीय बनाम क्षेत्रीय, संघीय बनाम राज्य और ऐसे जो विभिन्न राजनीतिक पहलू होते हैं उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। इसके पहले का जो अध्याय था उसमें हमने देखा कि कैसे क्षेत्रीय भावनाएं ज़्यादा बलवती होती गईं और क्षेत्रीय भावनाओं के बलवती होते होते हम देखते हैं कैसे क्षेत्रीय पार्टियों का प्रादुर्भाव होता है, उनका प्रभाव बढ़ता है और तुलनात्मक दृष्टि से राष्ट्रीय पार्टियां अपना वर्चस्व खो बैठती हैं, उनका वर्चस्व कम हो जाता। क्षेत्रीय पार्टियों के अध्ययन के पहले का अध्याय में यदि आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कांग्रेस प्रणाली, और कांग्रेस प्रणाली पढ़ने के पीछे उद्देश्य ये था कि उस राजनीति को समझना जिसमें कांग्रेस का वर्चस्व था और कांग्रेस के वर्चस्व से बुनी गई राजनीति उस समय की तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था थी। तो हम लगातार पढ़ते हुए अब अपने अंतिम अध्याय में पहुंच चुके हैं और वह है नवीनतम बदलाव। इस अध्याय में 1990 के दशक में, 1990-2000 में भारतीय राजनीति का एक हम बहुत संक्षिप्त जायजा लेंगे कि आखिर क्या हुआ था 90-2000 के बीच में। दूसरा हम ये भी देखेंगे कि कैसे क्षेत्रीय पार्टियां जिनका प्रभाव बढ़ गया था वे कैसे इस बदलती राजनीति में अपने को स्थापित करती हैं, कैसे राष्ट्रीय दल इन क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को अपनी राजनीति में स्थान देते हैं। इसके बाद इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि इस अवधि में भारतीय राजनीति में जो कुछ जटिल परिवर्तन आए, कुछ कॉम्प्लेक्स चेंजेस आए, कुछ जटिल किस्म के बदलाव आए, उस बदलाव के क्या मायने हैं राजनीतिक दृष्टि से, उस बदलाव के क्या मायने हैं भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, उस बदलाव ने किस प्रकार भारत की सामाजिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया। तो मूल रूप से हमारे इस अध्याय का अध्ययन केंद्र बिंदु ये रहेगा। जब हम इस अध्याय को पढ़ेंगे तो मन में कुछ सवाल भी आते जाएंगे और ये कुतूहलता बनी रहेगी लगातार कि ये सवाल का उत्तर जल्दी मिले। हम इसका उत्तर पाने के लिए आतुर रहेंगे और चूंकि ये सवाल कमोबेश प्रारंभ से अंत तक बने रहेंगे, हम थोड़ा सा उनको शुरू में ही जान लें कि आखिर ये इन सवालों के माध्यम से हमको जो उत्तर मिलेंगे या इन सवालों के इर्द गिर्द घूमने वाले जो उत्तर हैं वही इस अध्याय का हिस्सा हैं। तो यदि सवालों की दृष्टि से हम देखें तो हम ये जानेंगे, हमारा जो सवाल उठेगा बार बार वो ये है कि गठबंधन की राजनीति के उदय के बाद, गठबंधन की राजनीति के उदय के बाद हमारे लोकतंत्र पर क्या असर पड़ा, लोकतंत्र क्या और मजबूत हुआ या लोकतंत्र की स्थिति डावाडोल होने लगी या लोकतंत्र पर लोगों का विश्वास बढ़ा या घटा आदि आदि। तो एक सवाल यह आएगा, गठबंधन की राजनीति बनाम लोकतंत्र की व्यवस्था में आखिर हुआ क्या, इसी का उत्तर हम इस अध्याय में अपने अध्ययन के आसपास खोजेंगे। दूसरा सवाल, जब हम 90 के दशक की बात करते हैं
तो आपको याद होगा मैंने एक अध्याय में आपको बताया था मंडल कमीशन के बारे में, उसी से लेके एक शब्द बन गया मंडलीकरण। मंडल कमीशन, मंडल आयोग, यदि आपको याद हो तो उसका संबंध पिछड़े वर्ग से था। ये पिछड़े वर्ग का भारतीय राजनीति में जो प्रभाव बढ़ा उसका क्या असर हुआ, क्योंकि प्रभाव बढ़ा ये तो हम समझ चुके हैं मंडल कमीशन के, मंडल आयोग के अध्ययन के समय। तो अब हमको ये देखना है कि मंडलीकरण क्या हुआ, मंडलीकरण आखिर है क्या, इसने देश की राजनीति को, देश के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के स्वभाव को किस रूप में बदल दिया। राजनीति के प्रतिनिधित्व के स्वभाव से अर्थात तात्पर्य है संसद में और अन्य ऐसी संस्थाओं में जहाँ चुनाव प्रक्रिया अपनाई जाती है, उस चुनाव में ये मंडलीकरण ने कैसे प्रतिनिधित्व के प्रतिशत को विभिन्न वर्गों के बनाया, बिगाड़ा, बदला आदि आदि। मंडलीकरण के बाद अगला बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, और वह है राम जन्मभूमि का मुद्दा और देश की राजनीति। राजनीतिक लामबंदी, राजनीतिक ध्रुवीकरण और उसके पश्चात हुई लामबंदी के लिहाज से राम जन्मभूमि आंदोलन, बाबरी मस्जिद का विध्वंस, इसने विरासत में क्या छोड़ा है। विरासत अर्थात आने वाले लोगों के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, गए हैं, किस परिप्रेक्ष्य में। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के मामले में राजनीतिक लामबंदी के लिहाज से इसका क्या असर हमारी राजनीति में पड़ा, इन घटनाओं का। मंडलीकरण का क्या असर पड़ा, इन घटनाओं का क्या असर पड़ा, और उसके बाद है नीतिगत मामले। नीतिगत मामलों पर एक आम सहमति सी बन गई है, और इस सहमति का, इस तरह की प्रवृत्ति का, सहमति बनाने का राजनीतिक विकल्पों के चयन के लिहाज से क्या असर पड़ा है, ये हमारे इस अध्याय का मुद्दा है जिसके आसपास हमारा ये चैप्टर घूमेगा, और यही सवालों के उत्तर मूलतः हम इस अध्याय में पाएंगे। यदि हम 1980 के दशक के आखिरी वर्षों की बात करें, यानी 88, 89, 90, तो मूलतः पांच बड़े बदलाव हम देखते हैं, पांच बड़े बदलाव। पहला बदलाव क्या है, कांग्रेस की हार होती है 1989 में। वो पार्टी जो 1984 के चुनाव में 415 सीटें जिसको मिली थी, अब वो सिमट कर 197 पर रह जाती है। आप समझ सकते हैं कांग्रेस की स्थिति कैसी हो जाती है, और उसके बदले दूसरे दलों की स्थिति में कितना भारी परिवर्तन होता है, जिनको कांग्रेस के द्वारा खोई गई 200 सीटों का इजाफा मिलता है। उसके बाद 1991 का चुनाव होता है, और ऐसा कुछ होता है घटनाक्रम कि कांग्रेस फिर सत्ता में आती है, 198-197 सीटें मिलती हैं उसे 89 में, और 91 में फिर से चुनाव। ये क्यों हुआ होगा, इसको सोचना होगा। दो वर्षों के अंदर लोकसभा के चुनाव पुनः होते हैं, ये जो बारंबार जो चुनाव हो रहा है, ये तत्कालीन राजनीतिक उठापटक, तत्कालीन राजनीतिक तेजी से बदलती स्थितियों की ओर इशारा करता है। तो घटनाक्रम इस काल में बहुत तेजी से घूमता है, यही पहला चरण है। और हम देखते हैं कि कांग्रेस सत्ता में वापस आती है, यद्यपि उसकी सीटों में कोई विशेष इजाफा नहीं होता, लेकिन 89 के बाद भी हम पाएंगे कि कांग्रेस यद्यपि सिमट कर 197 सीट पर रह गई,
कांग्रेस यद्यपि सिमट कर उस अल्पमत में चली गई, लेकिन फिर भी कांग्रेस का शासन ही ज़्यादा दिनों तक इस काल में रहा। कैसे रहा वह सरकार, वह पार्टी जो अल्पमत में थी, वो कैसे रहती है, कैसे सरकार में बना सकती है पहली बात, और बनाने के बाद कैसे रहती है, ये गठबंधन की राजनीति में संभव है। तो हम देखते हैं कि यद्यपि कांग्रेस तो गई लोकसभा से, यद्यपि देश में कांग्रेस का प्रभाव बहुत कम हुआ, लेकिन बिना कांग्रेस के अभी भी सरकारें नहीं बन रही थीं। अभी भी कांग्रेस की धुरी के चारों ओर ही गठबंधन या सरकार बनाने की प्रक्रिया या सत्ता में आने की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन दलीय प्रणाली के भीतर जैसी प्रमुखता इसे पहले हासिल थी वो अब नहीं रही। दलीय प्रणाली अर्थात जो विभिन्न दल थे उनमें जो प्रमुखता थी, जिसका मैंने जिक्र किया कि वो वर्चस्व बना हुआ था, और यद्यपि सीटें कम हुई फिर भी सरकार चलती रही, पर सरकार जिस ढंग से चली उससे स्पष्ट था कि कांग्रेस का प्रभाव, कांग्रेस की स्थिति अब ऐसी नहीं थी। तो यह है पहला चरण, पहला बदलाव जिसे हम कह सकते हैं। दूसरा बदलाव, मंडल मुद्दे का गहराना, और कारण कि 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हो जाती हैं, जिसमें पिछड़ा वर्ग को परिभाषित किया जाता है, क्रीमी लेयर को अलग से अलग किया जाता है, आदि आदि। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत जो स्थगन आदेश था वो हटा लिया जाता है और इसे लागू करना जाता है सिफारिशों को, और इन्हीं सिफारिशों के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। अर्थात दूसरा जो चरण है, दूसरा जो बदलाव है, वह बदलाव मंडल मुद्दे के आसपास घूमता है। पहला जो बदलाव था वो कांग्रेस की बदलती स्थिति से संबंधित था, दूसरा बदलाव मंडल मुद्दे के आसपास संबंधित है। सरकार के इस फैसले से, मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू करने के फैसले से पूरे देश में भयंकर हिंसा होती है, मंडल विरोधी आंदोलन होता है, और वो एक बड़ा अलग ढंग का आंदोलन था जिसका जिक्र मैंने पिछले अध्याय में किया है। तो एक हिंसात्मक दृश्य पूरे देश में दिखाई पड़ता है इस काल में, मंडल के विपक्ष में, मंडल के विरोध में। पहले बदलाव का संबंध कांग्रेस से था, दूसरे बदलाव का संबंध मंडल आयोग से था, तीसरा बदलाव जो है उसका संबंध आर्थिक नीतियों से है। इस उठापटक के काल में, इस ऐसे काल में जब राजनीतिक बदलाव, सत्ता का बदलाव बड़ी तीव्रता से हो रहा था और मध्यावधि चुनाव भी होने लगे, तो विभिन्न सरकारों ने इस दौर में जो आर्थिक नीतियां अपनाई वे बुनियादी तौर पर बदल गईं। बुनियादी तौर पर आधारभूत जो ढांचा था आर्थिक नीतियों का वह बदल गया, और वो तब बदला जब सरकारें बारम्बार आ रही थी, जा रही थी, बदल रही थी। सरकारें ही नहीं बदल रही थी, सरकार में जो सत्ता में जो दल लोग थे, जो दलीय राजनीति थी, उनकी नीतियां भी बिल्कुल अलग अलग थी। तो इस प्रकार नीतियों में भी परिवर्तन हो रहा था, बुनियादी नीतियों में भी हम बदलाव देखते हैं। इसका हम अध्ययन करेंगे इस अध्याय में। और ये जो बदलाव है, इस बदलाव को हम कहते हैं नए आर्थिक सुधार, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, NEF। बहुत महत्वपूर्ण पायदान भारत के आर्थिक इतिहास का, बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव, जहां मंडल आयोग भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पड़ाव है, वहीं नई आर्थिक सुधार की नीति भी एक अत्यधिक महत्वपूर्ण पड़ाव है। कितना महत्वपूर्ण है इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो राजनीतिक, ये जो आर्थिक रिफॉर्म्स की बात हो रही है, इसकी शुरुआत राजीव गांधी के काल में हो गई थी, लेकिन 1991 तक
ये कोई विशिष्ट रूप से दिखाई नहीं दिए, पर 1991 तक के बदलाव बड़े पैमाने पर अब दिखने लगे। शुरुआत हुई थी राजीव गांधी के काल से, जो एक आधुनिक भारत का सपना देखते थे। उस आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में कुछ आर्थिक परिवर्तन आवश्यक थे, जैसा राजीव गांधी के काल से देखा गया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद से अभी तक, अर्थात 1990-91 तक, भारतीय अर्थव्यवस्था जिस दिशा में चल रही थी, वह अब अपने मूल रास्ते से बदल गई। आर्थिक सुधारों के कारण मूलगामी अर्थों में ही बदल गई, हमारी आर्थिक नीति के मायने ही बदल गए। बहुत बड़ा परिवर्तन। कुल मिला के इशारा इस ओर है कि आपको मानना होगा कि जो तीसरा बदलाव, महत्वपूर्ण बदलाव इस काल में देखते हैं, वह अपने आर्थिक नीति के मुद्दे में, और जिसे नए सुधार हम कहते हैं, नए आर्थिक सुधार, जिस दिशा में हमारे अभी तक नीति चल रही थी, आर्थिक नीति, ये नए आर्थिक सुधारों के कारण उसकी दिशा ही बदल गई। नई आर्थिक नीतियों की विभिन्न आंदोलनों और संगठनों की तरफ से बहुत आलोचना भी हुई। एक तरफ इतने वर्षों से जो नीति चल रही थी, उस नीति के विरोध में सब राजनीतिक खेल हो रहे थे। नीति की असफलताओं को लेकर कांग्रेस, गैर कांग्रेस पार्टियां सामने आ रही थीं, अपना उनका प्रभाव बढ़ रहा था। कांग्रेस भी अपने उसे पुराने परंपरागत आर्थिक नीतियों पर, जिसको नेहरू ने स्थापित किया था, उस पर चल रही थी। अब जब यहाँ असफलता दिखती है और ऐसा लगता है कि इस आर्थिक नीति के मद्देनज़र भारत की अर्थव्यवस्था में कोई खास विकास नहीं हो रहा है, इसमें बहुत सी बुराइयाँ दिख रही हैं, जिसका मैंने जिक्र किया है उन अध्यायों के अध्ययन के समय, तो अब आवश्यक हो गया है कि नीतियों में बदलाव किया जाए। और जब बदलाव होता है तो तुरंत उसका बड़ा विरोध होता है। पहली प्रतिक्रिया जो सामने आती है देश में, वह है विरोध की। इसको लेकर बहुत सारे आंदोलन होते हैं, बहुत सारे संगठन इसकी भारी आलोचना करते हैं। तो ऐसा क्या था नई आर्थिक नीति में जिसकी आलोचना हुई, जबकि पुरानी आर्थिक नीति की वैसे ही आलोचना हो रही थी। उसी आलोचनाओं के परिप्रेक्ष्य में तो नई नीति लाई गई, फिर भी ये नई नीति की भी लोगों ने आलोचना की। हम इसका भी अध्ययन करेंगे। तो ये तीसरा बदलाव जो हम देखते हैं। चौथा बदलाव, जिसका प्रभाव उस समय तो पड़ा ही पड़ा, वर्तमान राजनीति में भी उसका बहुत प्रभाव है, और आने वाली राजनीति में भी संभवतः इस बदलाव का असर स्पष्ट दिखाई देगा। कौन सा बदलाव है? राम जन्मभूमि का मामला। राम जन्मभूमि के मामले को लेकर भारतीय राजनीति में भी, जो वैसे तो ये मामला धार्मिक था, लेकिन इसने राजनीतिक भूचाल ला दिया। दिसंबर 1992, समय याद रखें, ये मैं चौथे बदलाव की बात कर रहा हूँ जिसका संबंध राम जन्मभूमि से है। दिसंबर 1992 में अयोध्या में एक विवादित ढांचा गिरा दिया जाता है। एक विवादित ढांचा गिरा दिया जाता है दिसंबर 1992 में। इससे क्या हुआ? इस घटना ने देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया, और ये जो घटना है वह उस बदलाव का प्रतीक बन गई। कई परिवर्तनों को जन्म दिया इस घटना ने। ध्रुवीकरण हुआ, राजनीतिक समीकरण बदले, सामाजिक व्यवस्था में भी, सामाजिक संबंधों में भी बदलाव आया। और ये जो घटना थी वह इन सब परिवर्तनों का एक तरीके से प्रतीक बन गई, एक ढांचे को गिराने की घटना। इस घटना ने भारतीय राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, इस पर एक अच्छी खासी बहस छेड़ दी, और इन मुद्दों को लेकर अब बहस बढ़ती है। आर्थिक विकास, आर्थिक मुद्दे उस हद तक
पीछे चले जाते हैं, बैक सीट ले लेते हैं, और ये धार्मिक मुद्दा भारतीय राजनीति में हावी हो जाता है। चारों तरफ इसी बात को लेकर बहस होती है कि जो घटना हुई वह उचित थी, अनुचित थी, प्रायोजित थी, गैर प्रायोजित थी, घटना को रोकना संभव था नहीं था, घटना के परिणाम, दुष्परिणाम, अच्छे परिणाम आदि आदि को लेकर पूरे देश में बहस चली। और भारत की जो एक आधारभूत नीति रही है भारतीय संविधान के तहत धर्मनिरपेक्षता, उसको लेकर बहुत सवाल उठाए गए। ये जो बदलाव हो रहे थे, इन बदलावों का संबंध भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व की राजनीति से था और है। भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व की राजनीति से के साथ इस बदलाव का निकट संबंध है। तो अर्थात चौथे बदलाव को हम कह सकते हैं श्री राम जन्मभूमि विवाद, भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व, ये एक चौथा बदलाव। जैसा मैंने कहा, आर्थिक मुद्दे उस हद तक पीछे हट गए थे और ये वाला मुद्दा अब सामने आता है, और राजनीतिक मंचों पर ये मुद्दा सबसे अहम मुद्दा बन बैठता है। तो पांचवा और सबसे अंतिम बदलाव क्या इस काल का? अंतिम बदलाव, पांचवा बदलाव, राजीव गांधी का चुनावी दौरा कहाँ? तमिलनाडु में। वहाँ लिट्टे नाम का जो एक आतंकवादी संगठन था, जिसका मैंने जिक्र पिछले अध्यायों में किया है, LTTE, लिट्टे से जुड़े हुए श्रीलंकाई तमिलों ने उनकी हत्या कर दी, राजीव गांधी की हत्या। किनके द्वारा? श्रीलंका से जुड़े हुए लोगों के द्वारा। परिणाम क्या होता है? राजीव गांधी की मृत्यु के बाद सत्ता परिवर्तन होता है, पार्टी के नेतृत्व में परिवर्तन होता है, पार्टी की सत्ता में, और नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। यानी पहली बार अब हम देखते हैं 1947 से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, उसके बाद बीच के मात्र दो वर्षों को यदि छोड़ दें, जब लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री थे, बाकी ये पूरे काल में एक परिवार, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी सत्ता में आते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। इसके बाद पहली बार हम देखते हैं कि इस नेहरू परिवार से जो प्रधानमंत्री आए, जो लोग प्रधानमंत्री बने, राजीव गांधी उसमें अंतिम साबित हुए उस समय तक। और नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री का पद दिया जाता है। ये पांच बदलाव हमको इस पूरे अध्ययन के अध्याय, इस अध्याय के अध्ययन के दौरान स्मरित अपने दिमाग में रखना होगा, ख्याल रखना होगा। इन पांच बदलावों के इर्द गिर्द इस अध्याय का घटनाक्रम घूमता है, और हम जो इस पाठ के मुख्य बिंदुओं को देखते हैं उसमें सहभागी उमड़ एक शब्द बारंबार आएगा। 1990 के दशक में सहभागी उमड़ क्या है? जनता दल और भारतीय जनता पार्टी का उदय, क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती भूमिका और गठबंधन की राजनीति, उसके बाद संयुक्त मोर्चा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक सरकारें, चुनाव, और फिर अंततः UPA सरकार। UPA से अर्थात यूनाइटेड पार्टी अलायंस। नाउ 1980 के दशक में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व हम एक बार देखते हैं। इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आती हैं जनता पार्टी के टूटने के बाद, और शुरू में विपक्षी दल भी टूट जाते हैं पूरी तरह, जनता पार्टी पूरी तरह टूटती है,
और ऐसा लगता है कि गैर कांग्रेसवाद अब लगभग समाप्त हो गया। इंदिरा गांधी जब सत्ता में वापस आती हैं तो इतने भारी बहुमत के साथ आती हैं कि उनकी पूरे देश अब इंदिरा मैं लगता है। परिणाम क्षेत्रीय पार्टियां या गैर कांग्रेसवाद जो अभी कुछ वर्ष पूर्व ही उभर के सामने आया था राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में, अब ऐसा लगता है अब ये समाप्ति की ओर अग्रसर है, अब मृत प्राय हो चला है। ये इस दौरान में आतंकवाद और क्षेत्रवाद की समस्या भी बहुत तेज होती है। आतंकवाद और क्षेत्रवाद की समस्या, इसी आतंकवाद के परिप्रेक्ष्य में कुछ ऐसे डेवलपमेंट होते हैं जिसके कंटिन्यूएशन में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या होती है। और उनकी हत्या का असर क्या होता है? भावनात्मक प्रभाव। इंदिरा गांधी का विरोध तो हो रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आती हैं तो उसके बाद प्रधानमंत्री रहते हुए जब उनकी हत्या होती है तो एक तरीके से देश को इस बात को लेकर बड़ा मलाल होता है और एक भावनात्मक उमड़, भावनात्मक झुकाव राष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रति दिखाई होता है। इसीलिए 1984 का जो चुनाव होता है इस हत्या के बाद, जिसमें राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ती है, कांग्रेस की सरकार पुनः वापस सत्ता में आती है भावनात्मक उमड़ के कारण। लेकिन इसी बीच एक और बात होती है, क्योंकि ये भावनात्मक उमड़ भावना से जुड़ा था जो ज़्यादा दिन नहीं रह सकता। जैसे जैसे लोग यथार्थता पे आते गए, जैसे जैसे लोग यथार्थता के धरातल पर आते गए, वैसे वैसे हम पाते हैं कांग्रेस के प्रति फिर मोह भंग की प्रक्रिया शुरू होती है कांग्रेस के खिलाफ, और विपक्षी दल धीरे धीरे फिर एकजुट होने का प्रयास करते हैं। वैसा ही घटनाक्रम जैसा कि 1976, 77, 78 में हमने देखा, जिसकी परिणति जनता पार्टी की स्थापना के रूप में हुई थी। 1989 के चुनाव के बाद जनता दल अब आता है, उस समय जनता पार्टी आई थी, याद रखेंगे। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी थी, अब यहाँ जनता दल आता है, उसके नेतृत्व में गठबंधन बनता है, जिसे बाद में बाहर से दक्षिणपंथी दल, भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी पार्टियाँ भी समर्थन दे रही थी, लेकिन कांग्रेस इसमें सत्ता में नहीं दिखती। इस प्रकार देश की राजनीति में हम गठबंधन के युग की फिर से शुरुआत देखते हैं, पुनर्प्रारंभ होता है गठबंधन का काल। उसके पहले जो गठबंधन हुआ था 1977-78 में, वो गठबंधन की परिणति अंत में सब पार्टियों के विलय में हो गई थी और एक पार्टी बनी थी, जनता पार्टी। उस गठबंधन में सभी पार्टियां अपने स्वतंत्र अस्तित्व को भुलाकर एक पार्टी के अंदर आ गई थी, जनता पार्टी। यहाँ पर अंतर ये है कि यहाँ पर सभी पार्टियों ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखा और एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किया, समझौता किया। उस समझौते के तहत कुछ आधारभूत विचारों पर सहमति होते हुए सरकारें सत्ता में आती हैं, सरकारें सत्ता से जाती हैं। दूसरे शब्दों में, यदि हम वास्तव में गठबंधन की शुरुआत की बात करें तो वह प्रारंभ होता है इस काल के बाद, 1989 के बाद, और क्षेत्रीय दलों का महत्व फिर बढ़ने लगता है। इस समय राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं वो गठबंधन या क्षेत्रीय दलों के आधार पर, क्षेत्रीय दलों के समर्थन के आधार पर टिकी रहती हैं। इस हद तक अब क्षेत्रीय दल महत्वपूर्ण हो गए थे कि कोई भी राष्ट्रीय दल अब अपने तई सरकार बनाने में सक्षम नहीं थे। 90 के दशक में काफ़ी, अब हम देखते हैं इस प्रकार काफ़ी
अफरा तफरी काफरी ऊहा पोह उथल पुथल मची रहती है। 1990 के बाद जो जटिल समस्याएं आती हैं उसके कुछ अप्रत्याशित परिणाम भी आते हैं। राजनीति भागीदारी, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का उदय, क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका, गठबंधन की राजनीति, संयुक्त मोर्चा, जनतांत्रिक सरकारें आदि आदि, और अंत में इसकी परिणति होती है यूपीए से, जिसका वास्तव में पूरा नाम है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ये कैसे बना, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस अध्याय के प्रारंभ में मैंने आपको ये भी बताया था कि अध्ययन करते हुए हमारे मन में कुछ सवाल खड़े होंगे, जिसका हमको उत्तर इस अध्याय में मिलेगा। दूसरे शब्दों में, इन सवालों के आसपास, इन सवालों के उत्तर के आसपास हम घूमते रहेंगे और नवीनतम राजनीतिक बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे। इन नवीनतम राजनीतिक बदलाव में गठबंधन की राजनीति के उदय का लोकतंत्र में क्या असर पड़ा, ये भी एक सवाल सामने आएगा। गठबंधन की राजनीति के उदय का हमारे लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी सवाल आएगा कि मंडल आयोग और आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जो समाज है उसने कैसे इस पर प्रतिक्रिया दी, भारतीय समाज किस प्रकार मंडल आयोग और आरक्षण के मुद्दे को स्वीकार किया, क्या चार वर्गों में बट गया या कुछ और हुआ। और फिर बाद में विरासत की बात तो है ही कि राम जन्मभूमि के मामले ने या बाबरी मस्जिद के विध्वंस के मामले में क्या होगा। यद्यपि ये जो सवाल हैं इनके पूरे जवाब तो हमको इस अध्याय में नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ सूचनाएं मिलेंगी, कुछ तरीके आपको मिलेंगे जिससे आपको इनके उत्तर पाने में सहूलियत होगी। इन सवालों के जवाब को आखिरी तक यदि आप पढ़ेंगे इस अध्याय को तो कुछ पा सकेंगे। और ये सवाल जो हैं ये हम उत्तर इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये बड़े संवेदनशील हैं, राजनीतिक दृष्टि से ये प्रश्न बड़े सेंसिटिव हैं, लेकिन मात्र इसी कारण से हम सवाल पूछने से बच जाएं ये उचित नहीं है। आज़ादी के बाद के भारत की राजनीति के इतिहास को आखिर पढ़ने का मकसद तो यही है कि हम अपने वर्तमान को समझ सकें, हम अपने आसपास होती हुई राजनीतिक घटनाओं को समझ सकें। तो जो इस अध्याय में हो सकता है आपको पूरी तरह इन प्रश्नों के उत्तर ना मिले, पर कुछ तथ्य मिल जाएंगे जिसके आधार पर आप स्वयं अपने विवेक का उपयोग करते हुए एक निर्णय तक पहुंच सकते हैं और एक सजग नागरिक कहला सकते हैं।